हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही आरजेडी को रघुवंश बाबू की याद सताने लगी है। रघुवंश बाबू ने जिंदगी के आखिरी वक्त में आरजेडी छोड़ दी थी। आपके लिए जाना बेहद जरूरी था, लेकिन हाजीपुर में रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तेजस्वी, तो तेजस्वी वोट बैंक की राजनीति करने से बिल्कुल नहीं चूके। बिहार में चुनाव का मौसम है तो नेताओं को आपदा में भी अवसर दिख रहा है। जिंदगी भर आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिन तेजस्वी और तेज प्रताप की वजह से आरजेडी छोड़ी थी, उन तेजस्वी को फिर रघुवंश बाबू याद आ गए। वैशाली में रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तेजस्वी यहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूके। श्रद्धांजलि सभा को चुनावी मंच बना डाला। गमगीन माहौल में भी चुनावी हुंकार भरते दिखे तेजस्वी। आदरणीय लालू जी ने ट्वीट कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि जागो बिहारी करो तैयारी। नौजवानों को बेरोजगार रखा, उससे सरकार के खिलाफ सब लोग जो है हटाना चाहती है। अब बिहार जागेगा और ये सरकार भागेगा। रघुवंश बाबू का नाम बुलाने की ऐसी होड़ लगी है कि तेजस्वी के मंच के पास ही स्थानीय जेडीयू विधायक ने भी अपनी पार्टी के बैनर पोस्टर लगवा दिए और आरजेडी पर हमला बोलने लगे। फोटो लगा करके जो लोग भी हों, चाहे वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे वो यहाँ का स्थानीय एमएलए का हो, फोटो की राजनीति हम लोग करना नहीं चाहते हैं। अभी इस धूप के घड़ी में हम लोग श्रद्धा सुमन करने के लिए हम लोग रघुवंश बाबू को। दो दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाजीपुर जाकर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। रघुवंश बाबू को याद कर काफी भावुक हो गए थे सीएम नीतीश कुमार। जब उनकी तबीयत खराब थी तो पत्र लिखा और पत्रों पर हमने तत्काल जो राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी करना चाहिए था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की उस दिन पहले उनके प्रति, उनके पतन के प्रति अपनी दुख प्रकट किया।